नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सीबीएसई टेस्ट क्या है, सीबीएसई टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं और सीबीएसई टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उसे हम कैसे सरल तरीके से पढ़ सके, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई टेस्ट क्या है। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सीबीएसई टेस्ट, जिसका मतलब होता है सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसका मतलब होता है आपके ब्लड में जितने भी प्रकार के जो पाए जाते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और जो लिम्फोसाइट्स, म्यूकोसाइट्स वगैरह, उन सब की ये सीबीसी टेस्ट के द्वारा आपको पता चलता है इसकी किसकी कितनी क्वांटिटी आपकी बॉडी में है और आपको कौन सी प्रॉब्लम है, ये भी आप सीबीसी टेस्ट से पता कर सकते हो। अब बात करते हैं सीबीसी टेस्ट में सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स WBC के बारे में। WBC क्या होती हैं? तो WBC हैं, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने की प्रणाली है। प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है ये हमारे शरीर के अंदर। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो ये जो WBC है ये सबसे पहले उन बैक्टीरियों के खिलाफ लड़ती है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। ये हमारे शरीर की दीवार की तरह कार्य करती है, जो किसी भी रोग के हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने से पहले उनसे लड़ने का कार्य करती है। ये जो WBC है इनकी हमारे शरीर में नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए वो 4000 से लेकर 10000 तक उसकी नॉर्मल रेंज हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अगर WBC की रेंज हमारी बॉडी में 10000 से 15000 तक हो जाती है या बढ़ जाती है तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार का कोई ना कोई ज़रूर इन्फेक्शन हुआ है। WBC टेस्ट के बाद में हम बात करते हैं DLC काउंट के बारे में। तो DLC काउंट में आपके न्यूट्रोफिल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सब आपके DLC काउंट के अंदर आते हैं। तो जो DLC काउंट के अंदर सबसे पहला जो मुख्य आता है उसका नाम हम न्यूट्रोफिल्स के नाम से जानते हैं। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं इसकी हमारे बॉडी में रेंज होनी चाहिए वो 40 से लगाकर 70 तक इसकी रेंज होनी चाहिए। अगर आपकी रेंज ये 70 से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है और वो इन्फेक्शन ज़्यादा पुराना नहीं है। न्यूट्रोफिल्स के बाद में बात करते हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स की जो आपकी बॉडी में नॉर्मल काउंट होना चाहिए, नॉर्मल उसकी रेंज होनी चाहिए, वो 20 से लगाकर 40 के बीच में आपकी बॉडी में इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर आपकी बॉडी में ये जो लिम्फोसाइट्स है इसकी क्वांटिटी 40 से ज़्यादा हो जाए, 60-70 तक पहुँच जाए तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन है और आपका जो इन्फेक्शन है वो सीवियर है और उस इन्फेक्शन को लगभग 7 दिन से अधिक हो चुके हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स को बनने में 7 दिन का समय कम से कम लग जाता है। तो आपको अगर इसकी क्वांटिटी अधिक दिखती है तो आपको ज़रूर कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसिनोफिल्स के बारे में। इसिनोफिल्स हैं, इसकी जो नॉर्मल काउंट हमारे बॉडी में होनी चाहिए वो 1 से लगाकर 6 तक होनी चाहिए। अगर इसिनोफिल्स काउंट अगर आपकी बॉडी में 6 से अधिक हो जाए तो आपको ज़रूर कोई ना कोई प्रकार की एलर्जी है। अगर आपको कोई एलर्जी होती है तो उस समय में आप अगर टेस्ट कराते हो सीबीसी टेस्ट, तो आपकी जो इसमें ये पाया जाता है जिसको हम इसिनोफिल्स बोलते हैं उसकी क्वांटिटी आपके अंदर 6 से ज़रूर अधिक आपको दिखाई देगी। अगर आप में 6 से अधिक इसकी क्वांटिटी है तो आपको समझ आना चाहिए कि हमें कोई ना कोई प्रकार की एलर्जी है, वो एलर्जन बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है। तो ये बात हुई न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और एसिनोफिल्स की। तो ये जो मुख्य इस DLC काउंट के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, तो इनकी बात हुई। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे शरीर में जो ब्लड जब बहना शुरू हो जाता है तो उसका थक्का बनाने का कार्य करती है, वो ये प्लेटलेट्स करती हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स की हमारे बॉडी में नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो 1.5 लाख से लगाकर 4.5 लाख तक इसकी जो काउंट है वो नॉर्मल माने जाते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स है इसकी एक्सेस मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम ये आपके बॉडी में ज़्यादा बनते हैं। मोस्टली ये आपकी बॉडी में इसकी रेंज जो 1.5 लाख से 4.5 लाख तक पाई जाती हैं। अगर आपकी सीबीसी टेस्ट में प्लेटलेट्स की काउंट 1.5 लाख से कम आ जाए तो आपको डेंगू हो सकता है, आपको मलेरिया जैसी बीमारी हो सकती है। डेंगू में डेंगू के केस में कई बार क्या होता है कि ये जो प्लेटलेट्स हैं इसकी काउंट बहुत ज़्यादा घट जाती है, कई बार ये 50,000 तक भी पहुंच जाती है, उस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो अगर आपको मलेरिया और डेंगू की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपके जो प्लेटलेट्स काउंट है वो 1 लाख से नीचे भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो ये जो हीमोग्लोबिन की पुरुषों में और महिलाओं में इसकी जो दोनों में नॉर्मल रेंज है वो अलग अलग निर्धारित की गई है, क्योंकि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं
तो वो महीने में हर बार होता है, तो उनकी जो उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो थोड़ा कम पाया जाता है। जो महिलाओं में इसकी रेंज निर्धारित की गई जो है वो 12 से लगाकर 14 तक की गई है, और पुरुषों में जो इसकी नॉर्मल रेंज मानी गई है वो 12 से लगाकर 16 तक मानी गई है। तो अगर आपके हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाती है आपकी बॉडी में, तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके खून की कमी हो सकती है। ये जो हीमोग्लोबिन है ये डायरेक्ट आपकी खून की ब्लड की क्वांटिटी को निर्धारित करता है। अगर आपकी हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होगी तो आपके शरीर में ज़रूर ब्लड की क्वांटिटी कम है, आपको इससे पता चल जाता है। जब आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं तो कई बार इसमें कन्फ्यूज़न की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर आपको लूज़ मोशंस की प्रॉब्लम है, अगर आप उस समय अपने बॉडी से खून निकाल के हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओगे तो आपके जो ब्लड काउंट है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, आपके हीमोग्लोबिन की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई बताएगी, क्योंकि आपकी जो ब्लड में जो वाटर की मात्रा होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है उसके कारण थोड़ा बहुत, जिससे कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा बताती है। और कई बार क्या होता है, आपको कोई ग्लूकोज की ड्रिप लग गई हो वेसल्स में, और उसी वेसल्स से आपको खून निकाल के आपका अगर ब्लड काउंट किया जाता है तो आपके ब्लड में जो वो वेसल्स है उसमें खून पतला होने के कारण आप में जो हीमोग्लोबिन की संख्या है वो काफ़ी कम बता सकती है ऐसी कंडीशन में। तो आप अगर ड्रिप लगाई हो तो आप थोड़ी टाइम बाद उसका टेस्ट कराएं, ड्रिप लगाने के कुछ टाइम बाद उसका टेस्ट कराएं, ड्रिप लगाते ही आप हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए नहीं जाए। तो ये कुछ बातें हुई हीमोग्लोबिन के बारे में, और ये कुछ बेसिक थे सीबीसी टेस्ट के बारे में, जो कि हर किसी को जानने की ज़रूरत होती है, आपको जानना चाहिए, कभी न कभी आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। हालांकि डॉक्टर आपको बता देता है, फिर भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए इतनी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगा बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।